हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यूपी में टीचर वैकेंसी तो नहीं आ रही है लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है। कब तक ये सुपर टेट यूपी टेट आने वाला है इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, बट शिक्षा जो है यूपी में बहुत अच्छी चल रही है इस पे बहुत सारी बातें हो रही है। फिलहाल हम आज इस वीडियो में जो है आपको बात करने वाले हैं कि जो या सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, खास करके वैकेंसी के बारे में कि टीचिंग वैकेंसी आएगी भी कि नहीं यूपी में, क्या उनके यूपी में जो है टीचर की कमी है भी या नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले जैसे कि आया हुआ था कि यूपी में जो है शिक्षक का रेशियो, शिक्षक एंड स्टूडेंट का रेशियो जो है वो सही है, वो कितना सही है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्या बोला गया है सीएम की तरफ से एजुकेशन के बारे में, यूपी एजुकेशन के बारे में सभी चीजें डिटेल से जानेंगे। तो जो बीएड के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे इन्फॉर्मेशन पे आपको नजर बना करके रखनी पड़ेगी, इसी में कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक हो जाएगा जिससे कि आप लोगों के हाथ से कुछ निकल ना जाए। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, वैकेंसी से रिलेटेड और साथ साथ नोट्स क्लासेस सभी चीजें आपको एक ही चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी के जो सीएम हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जो है हमें स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए, स्मार्ट स्कूल चाहिए, स्मार्ट टीचर्स चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जहां पे टीचर्स उपलब्ध नहीं है वहां पे हम टेक्नोलॉजी से काम चला लें। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि यूपी में तो शिक्षक भर्ती की शिक्षकों की कमी है ही नहीं, तो फिर शिक्षकों का अभाव कैसे। जब आप इनके बातों पे जाओगे, पूरे गवर्नमेंट की बातों पे, तो आपको पता चलेगा कि कितने दो तरह की बातें जो है इनसे निकलकर सामने आती है। चलिए हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे बताया जा रहा है स्मार्ट हो रहा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। हर जिले में खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, यहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूशन खोलने की बात हो रही है। तो क्या इसके लिए टीचर्स की जरूरत नहीं होगी, टीचर्स वैकेंसी की जरूरत नहीं होगी, तो इस पर जो है कब चर्चा होगी पता ही नहीं चल रहा है इसके बारे में। तो जो है जिले में जो है उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की बात है, कितना करोड़ खर्चा हो रहा है प्राथमिक शिक्षा पर, टीचर्स को कितने दिए जा रहे हैं, ये सभी चीजें जो है इसमें दी गई है। 1000 महाविद्यालयों में रोजगार इंटर्नशिप का जो है करवाया जाएगा, कॉलेजेस में जो है 1000 इंटर्नशिप करवाई जाएगी, ये सारी चीजें है। अब ये सभी चीजें होंगी कब तक, मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो न्यूज में आते रहता है और वो लोग इस पे काम नहीं करते, फिर भी आपको अपना ध्यान जो है यहाँ पे रखना है कि कभी अगर सही हो जाए। यहाँ पे बोला गया बेसिक शिक्षा में स्थापित किए नए आयाम, बेसिक शिक्षा को लेकर की जो चीजें इसमें बोली गई है वो थोड़ा सा आपके काम की है, जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है टीचर्स को लेकर के बात हुई है, जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने बोला है, किसी भी सभ्य समाज ये रहने दो। यहाँ पे देखो प्रदेश के 1,56,000 स्कूल में से 1,39,000 ऑपरेशन कार्यकलाप में बुनियादी सुविधाओं के साथ स्मार्ट बनाए जा सके, 1,62,000 इनके अनुसार 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है अभी तक जो है कर दी गई है। और इन्होंने ये भी वादा किया है कि अब जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई भी युवा या कोई भी जो स्टूडेंट है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको इमीडिएट रोजगार मिलेगा। अब ये कब तक इंप्लीमेंट होगा ये नहीं पता, लेकिन इनके अनुसार इस पे काम चल रहा है, जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो काम है उस पे आगे बढ़ाया जा रहा है। और कुछ दिनों में ये तो हमें पता है 27 जून को बैठक होगी, तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकल कर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे जो है कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका हिंट जो है इस तरह से ये लोग दे रहे हैं। अभी एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, इन्होंने स्कूल के बारे में बात तो जरूर की है कि स्कूलों का जो है कायाकल्प होगा, कायाकल्प जो है चेंज किया जाएगा और टीचर्स को भी ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है स्टूडेंट को पढ़ा सके। यहाँ देखिए एक इन्होंने जो है इनकी तरफ से ट्वीट भी आया था, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में जहां शिक्षकों का अभाव है। सबसे पहले तो मुझे यही ट्वीट में समझ में नहीं आया, टीचर्स का अभाव। और कुछ दिनों पहले जो आपने देखा था जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि टीचर्स का अभाव ही नहीं है,
यूपी में रेशियो एकदम बराबर चल रहा है, 30:1 वाला जो रेशियो है सही चल रहा है आरटी एक्ट के तहत। तो यहाँ पे आभार है वहां तकनीक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की दिशा में विचार करना चाहिए, इन कक्षाओं की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। तो यहाँ मीटिंग चल रही है, ऐसे मीटिंग जो है हो रहे हैं, अब इसमें से कौन सा डिसीजन निकल कर सामने आएगा ये हमें देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ यूपी में शिक्षक भर्ती से लेकर के चेंजेस आने वाले, परिवर्तन आने वाला, और ये एक संकेत है कि ऑनलाइन टीचिंग और टेक्नोलॉजी को जो है एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे बोलूंगी जो कंप्यूटर के टीचर है उन लोगों की वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, जो बीएड से कंप्यूटर कर चुके हैं या बीटेक किए हुए हैं, बीसीए है, ये सब बस सीटेट क्रैक करके रखना, क्योंकि अब कंप्यूटर टीचर को भी जो है सीटेट मांगा जा रहा, तो सीटेट क्रैक रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत जल्द जो है यूपी में कुछ अच्छी न्यूज टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड आने वाली है। जब भी ऐसी वैकेंसी आएगी डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।